नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो स्पेशल तौर पर उन लोगों के लिए है जो कि पीएफ निकालने के लिए परेशान हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कहीं पर जॉब करते हैं और आपका पीएफ कटता है और आपको नहीं पता है कि हमको अपना पीएफ कैसे निकालना है, क्योंकि कभी ना कभी ऐसी इमरजेंसी हमारे सामने आ जाती है कि जो हमारा पीएफ हर महीने कटता है, हम उसका थोड़ा भाग अगर निकालना चाहें तो वो कैसे निकालें और अपनी जो इमरजेंसी है उसको कैसे दूर करें। तो उसके लिए आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगर आपके सामने भी कोई ऐसी समस्या आ गई है जिससे कि आपको अपना पीएफ निकालना पड़ रहा है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप अपना जो पीएफ है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और आप इस चीज़ को अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। जिस तरीके से मैं आपको कंप्यूटर में बताऊंगा, ठीक उसी तरीके से आप अपने मोबाइल से भी इसी स्टेप को दोहरा सकते हैं और अपना पीएफ निकाल सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। अब इसमें आपको सर्च बॉक्स में डालना है ईपीएफओ मेंबर लॉगिन। जैसे ही आप इसमें सर्च करेंगे, सबसे ऊपर एक वेबसाइट आ जाएगी आपके सामने, एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसमें लिखा होगा मेंबर होम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने यह वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपके सामने इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, लेकिन दाईं तरफ कोने में एक ऑप्शन आएगा UAN और पासवर्ड का। तो आपको क्या करना है, आपको अपना UAN इसमें डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है। अगर मान लीजिए आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं या आपको नहीं पता है, तो फिर जैसे ही आप इसमें लॉगिन करेंगे, ऊपर लिखा आ जाएगा इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। क्योंकि मान लीजिए भाई आपने कभी भी इस वेबसाइट में अपना को भी लॉगिन नहीं किया है और आपने कोई पासवर्ड आज तक बनाया भी नहीं है, तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको जाना है नीचे जो ऑप्शन है फॉरगॉट पासवर्ड, ठीक है, इस पर जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा एंटर UAN। यहाँ पर आपको अपना UAN डाल देना है और नीचे आपको कैप्चा कोड भर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी जिसमें लिखा होगा नेम। यहाँ पर आपको अपना वही नाम डालना है जो कि आपके आधार कार्ड में है, और डेट ऑफ बर्थ भी आपको वही डालनी है जो आपके आधार कार्ड में है। कहने का मतलब है आपको जरा सा भी इसमें गलती नहीं करनी है, वरना फिर आपका जो पासवर्ड है वो नहीं बन पाएगा या नहीं रीसेट हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें हमको अपना नाम डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, नीचे आपको इसमें जेंडर डाल देना है, मेल या फीमेल, और फिर आपको करना है वेरीफाई। अगर आपकी जो डिटेल्स हैं वो मैच नहीं करेंगी तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और अगर आपकी डिटेल्स बिल्कुल सही होंगी तो फिर नीचे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा एंटर कैप्चा, और नीचे आएगा आधार नंबर, ठीक है। तो आपको इसमें कैप्चा कोड डाल देना है और आधार नंबर अपना डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टिक करना है कि मैं अपनी पहचान स्थापित करने और पासवर्ड रिसेट करने के उद्देश्य से आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक और वन टाइम पिन यानी OTP डेटा प्रदान करने के लिए सहमत हूँ। तो इसके बाद आपको कर देना है वेरीफाई। जैसे दोस्तों आप वेरीफाई करोगे, आपके नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपके आधार नंबर पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो आप पहले करा लीजिए, क्योंकि तब तक आपके मोबाइल पर OTP नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अपना वही मोबाइल नंबर इसमें डाल देना है जिस नंबर पर आपका आधार नंबर रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो मैं नंबर डाल देता हूँ। तो नंबर डालने के बाद यहाँ पर हम कंसेंट करेंगे और यहाँ पर गेट OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम गेट OTP पर क्लिक करेंगे, हमारे मोबाइल पर एक OTP आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, नीचे लिखा है एंटर कैप्चा और नीचे लिखा है एंटर OTP। तो आपको जो कैप्चा कोड भर देना है और जो आपके मोबाइल पर OTP आया है आधार कार्ड की तरफ से, वह आपको इसमें डाल देना है और फिर आपको कर देना है वेरीफाई। अगर किसी वजह से आपके मोबाइल पर OTP नहीं आता है तो फिर आप रीसेंड OTP भी कर सकते हो, ठीक है। तो एंटर डालने के बाद वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद अब आपके सामने ऑप्शन आएगा कि भाई आप अपना जो नया पासवर्ड है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना कोई भी जो मर्जी वो पासवर्ड बना लीजिए और नीचे कंफर्म पासवर्ड में एक बार दोबारा से अपना पासवर्ड डाल दीजिए और फिर आपको करना है सबमिट। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे, लिखा आ जाएगा पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, क्लिक हियर टू लॉगिन, ठीक है। तो आप यहाँ से जो है लॉगिन पर चले जाएं या होम पर भी जा सकते हैं। तो अब हम जो है यहाँ से अपना करेंगे लॉगिन। लॉगिन करने के लिए अब फिर से आपके सामने वही विंडो आएगी, तो आपको अपना दोबारा से UAN डाल देना है और जो पासवर्ड आपने अभी अपना रिसेट किया है या नया बनाया है वो पासवर्ड इसमें आपको डाल देना है। फिर नीचे आपको डाल देना है कैप्चा कोड और फिर कर देना है आपको साइन इन।
जैसे ही आप साइन इन करेंगे आपके सामने कुछ एक इस तरीके का अलर्ट आता है कि ई नामांकन सुविधा ई हस्ताक्षर के माध्यम से उपलब्ध है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपका जो अकाउंट है उसमें अगर अभी तक आपने अपना नॉमिनी नहीं ऐड किया हुआ है तो यहाँ से आप अपना नॉमिनी बना लीजिए कि भविष्य में अगर कोई आपके साथ दुर्घटना वगैरह होती है तो आपका जो अमाउंट जमा हो रहा है वो आपके नॉमिनी को मिल जाए। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको आप भर लीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं अलग से एक वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। अब हमारे सामने जो है आपका जो अकाउंट है इसका पूरा डाटा यहाँ पर खुलकर आ जाता है। तो इसमें आपको कहाँ पर जाना है, यहाँ आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, होम, व्यू, मैनेज अकाउंट, ऑनलाइन सर्विस, ठीक है। यहाँ से अपनी आप जो है पासबुक वगैरह भी चेक कर सकते हो, ई नॉमिनेशन भर सकते हो, ठीक है, अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो हमको क्या करना है कि अपना पीएफ निकालना है, तो आपको जाना है ऑनलाइन सर्विसेज में और सबसे ऊपर का जो ऑप्शन है क्लेम, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो हमने जो है इस पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आपको इसमें कुछ डिटेल भरनी होगी। सबसे पहले तो आपको अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई कराना होगा, जो बैंक अकाउंट में जिसमें आपकी सैलरी आती है वो वाला बैंक अकाउंट आपको इसमें डालना है, ठीक है। तो मैं अपना वो अकाउंट नंबर इसमें डाल देता हूँ और अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको कर देना है वेरीफाई। अगर आपका खाता नंबर बिल्कुल सही होगा तो यहाँ पर एक हरे रंग का निशान आ जाएगा, नीचे आपकी मेंबर आईडी आ जाएगी और आपकी सारी डिटेल आ जाएगी कि कब आपने ज्वाइन किया है और सब कुछ इसमें लिखा आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नीचे लिखा आ जाएगा प्रोसेस फॉर ऑनलाइन क्लेम, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ सबसे नीचे एक ऑप्शन आएगा आई वांट टू अप्लाई फॉर, ठीक है, यहाँ से आपको चूज करना है। और यही मेन चीज है, बहुत से लोगों का जो क्लेम रिजेक्ट होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि वो यहाँ पर इसमें सही से जो है क्लेम ऑप्शन नहीं भरते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन मेन है, या तो आप फॉर्म 19 भर दीजिए या फिर आप पीएफ एडवांस भर दीजिए। जो सबसे अच्छे ऑप्शन है वो ये दोनों ही है, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो बताऊंगा कि वही हम फॉर्म 19 के माध्यम से कैसे अपना पीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो हमको क्लिक करना है ऑनलाइन पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 पर। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो खुलेगी कि जिसमें कि लिखा होगा कि अगर आपकी सर्विस मान लीजिए 5 साल से कम है या आपकी पैन डिटेल्स वगैरह नहीं है तो उसके बारे में यहाँ पर आपका एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है। इसको आप जो है कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही इस पर हम यस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने भी एक नया फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। नीचे इसमें लिखा होगा अपलोड फॉर्म 15G। अब इसमें आप सोचोगे कि इसमें हम क्या फाइल अपलोड करेंगे, तो इसमें आपको कुछ अपलोड नहीं करना है, नीचे आना है जिसमें लिखा है एम्प्लॉई एड्रेस, ये चीज आपको भर देनी है अपने आधार कार्ड के हिसाब से, जो आपके आधार कार्ड में दिया हुआ है ना वही चीज आपको इसमें भरनी है। अच्छा, नीचे इसमें जो है आपके लिए चेक और पासबुक का ऑप्शन भी है, तो इसमें आपको अपना एक कैंसिल चेक या अपने बैंक की पासबुक ये आपको तैयार रखनी है। तो यहाँ पर जो है आपको अपना एड्रेस भर देना है जो भी आपका आधार कार्ड में है। मैं अपना एड्रेस सारा भर देता हूँ, इसमें गाँव, पोस्ट, अपना जो स्टेट है, अपना जिला है, अपनी सिटी है और अपना पिन कोड है। ये भरने के बाद इसमें नीचे ऑप्शन आता है अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक या पासबुक। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि या तो आपके पास कोई कैंसिल चेक हो या आपके बैंक की पासबुक हो जिसपे की मोहर वगैरह लगी हुई हो और IFSC कोड वगैरह सब कुछ साफ साफ लिखा हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उस पर आपका IFSC कोड ही नहीं है या आपकी पासबुक जो है हाथ से बनी हुई है तो वो इसमें जो है आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको अपनी जो है सही से अपनी चेक या अपनी पासबुक या आपको स्कैन करनी है और फिर आपको चूज फाइल पर जाकर उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे व्यू पर जाऊंगा तो यहाँ पर दिखाई भी दे जाएगी, ठीक। अब हमने अपनी जो पासबुक है वो सेलेक्ट कर ली है। अब आपको क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पर आपको दोस्तों एक चीज का ध्यान और रखना है कि जो आपका चेक है या आपकी पासबुक है वो 100 KB से ऊपर की होनी चाहिए और 500 KB से कम की होनी चाहिए और जो उसका फॉर्मेट है वो JPEG या JPG में होना चाहिए, ठीक है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है और आपको अपनी जो चेक है या अपनी पासबुक है वो अपलोड कर देनी है। अब आपको कुछ नहीं भरना है, नीचे आना है जहाँ पर लिखा है मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने UAN पोर्टल पर सीट डाटा को भलीभांति देख लिया है तथा फॉर्म 11 नया बैंक खाता विवरण और आधार संख्या सहित सभी डाटा सही पाया गया है, ठीक है। ये सब पर नीचे आपको टिक लगा होगा जहाँ पर लिखा है कि मैं अपनी पहचान स्थापित करने और ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आधार प्रमाणीकरण के लिए अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक और वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP डेटा प्रदान करने के लिए सहमत हूँ। तो यहाँ पर आपके लिए जो बॉक्स दे रखा है इसमें टिक कर देना है और नीचे लिखा आ जाएगा गेट आधार OTP।
जैसे इस पर आप क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी इसमें आपको डाल देना है। तो वो ओटीपी इसमें डालने के बाद आपको करना है नीचे वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म, ठीक है। तो जैसे ही हम इसमें अपना ओटीपी डालकर सबमिट करेंगे तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड, ईकेवाईसी अपडेटेड एंड पीएफ फाइनल विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल, ठीक है। प्लीज क्लिक हेयर टू व्यू पीडीएफ। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो आपने फॉर्म भरा है उसकी एक पीडीएफ आ जाएगी, जिसको कि आप प्रिंट भी कर सकते हो या डाउनलोड भी कर सकते हो। तो मैं अपने इस पीडीएफ को जो है फिलहाल प्रिंट नहीं करता हूँ और इसको डाउनलोड करके सेव कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमने जो है अब अपना क्लेम ये कर दिया है, अब इसको हम चेक कर सकते हैं। तो जैसे हम चेक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे जो पहले और भी क्लेम है वो रिजेक्ट हो चुके हैं जो फॉर्म 19 के थे। तो अगर आपका यह क्लेम नहीं हो पाता है और आपका बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो फिर आपको मैं दूसरा क्लेम बताता हूँ। तो फिर आपको जो है करना है अपना फॉर्म 31 वाला अप्लाई। आपको फिर से जाना है अपना ऑनलाइन सर्विसेज पर, क्लेम पर जाएंगे और फिर से अपना जो है बैंक अकाउंट इसमें डालेंगे। बैंक अकाउंट अपना डालने के बाद वेरीफाई कर देंगे उसी तरीके से, और फिर आपके सामने जब ये पेज खुलेगा आई वांट टू अप्लाई फॉर, तो यहाँ पर अब आपको जो है ऑप्शन सेलेक्ट करना है पीएफ एडवांस फॉर्म 31, ठीक है। जो फॉर्म 19 का अगर बार बार आपका रिजेक्ट हो रहा है ना, तो फिर आपको यहाँ पर फॉर्म 31 वाला सेलेक्ट करना है। फिर नीचे इसमें आपके सामने ऑप्शन आएंगे सेलेक्ट सर्विस, यानी कि जो सर्विस आप करते हो जहाँ से आपका पीएफ कटता है वो आ जाएगा। अब नीचे इसमें आपको जो है आपसे कारण पूछा जाएगा कि भाई आप क्यों ये पैसा निकालना चाहते हैं। तो इसमें आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, बीमारी का है, ठीक है, या आपको 2 महीने से ज़्यादा हो गए आपका पीएफ जमा नहीं हुआ है। तो अगर आपका मान लीजिए मकान बनाना है तो जो भी आपका ऑप्शन इसमें आप डाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस डाल देता हूँ यहाँ पर, और इसमें कितना पैसा आपको निकालना है वो आपको इसमें भर देना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 50,000 रुपये मुझको निकालना है तो मैं 50,000 भर देता हूँ। फिर से आपको इसमें जो है दोबारा से वही एम्प्लॉई एड्रेस डाल देना है अपना पूरा। फिर उसके बाद आपको दोबारा से अपना कैंसिल चेक या अपनी पासबुक अपलोड कर देनी है। सब प्रोसेस वही रहेगा, बस केवल इसमें 2-4 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा भरनी होती हैं और इसमें आपको पैसा बताना होता है कि भाई हमें इतना पैसा जो है निकालना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, सब कुछ भर दिया आपने, अपनी चेकबुक वगैरह लगा दी है, पासबुक लगा दी है। अब आपको इसमें फिर से जाना है अपना गेट आधार ओटीपी। ओटीपी के बाद जैसे ही आपका मोबाइल पर ओटीपी आएगा वो आप इसमें डाल देंगे और नीचे लिखा है वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म, ठीक है, तो ये हम कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद अब इसमें लिखा जाएगा कि ओटीपी हैज़ बीन वेरीफाइड, ठीक है, उसी तरीके से। और फिर आपको जो यहाँ पर क्लिक हेयर करके लिखा जाएगा कि अपनी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे हमारा जो ये फॉर्म है जो हमने भरा है वो हमारा यहाँ पर खुल जाएगा, और उसी तरीके से आप चाहो तो इसका प्रिंट ले सकते हो या चाहो तो इसको सेव कर सकते हो। तो मैंने जो है ये वाला भी डाल दिया है और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो देखा दोस्तों आपने, इतना आसान है, बस आपको अपना UAN जो नंबर है वो लॉगिन करना है। यह नंबर अगर आपको नहीं पता है तो जहाँ पर आपका पीएफ कटता है आप अपनी एजेंसी से बात कर सकते हैं कि भाई हमारा जो UAN ID है वो दे दीजिए, या आप अपने ऑफिस में जो आपके अकाउंटेंट हैं आप उनसे ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।